हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजी। सो गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, राइट। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमने क्या देखा था कि कैसे आप ए प्लस बी कर सकते हो या फिर ए माइनस बी कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप 2-4 करना हो या 4-2 करना हो और उनको प्लस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, जो भी आपको ऐसे मैथमेटिक फंक्शन आप परफॉर्म करना हो, आप विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द रिलेशनल ऑपरेटर। सो रिलेशनल ऑपरेटर जो है जी सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर है, जिसमें हम क्या बात करेंगे कि एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू से क्या रिलेशन जो है बनता है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 4 है, तो ए की वैल्यू बी से किस रिलेशन में डिफाइन होगी, ए बड़ा है या बी बड़ा है, ठीक है, या दोनों इक्वल है या फिर दोनों की डेटा टाइप इक्वल है। कुछ इस तरह से हम इनके साथ में जो है डिस्कशंस आज लेने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो होते हैं। तो हमारे पास ये देख सकते हो आप, ऑपरेटर मीनिंग एंड एग्जांपल के रूप में मैंने एक टेबल लिया है। सबसे पहले डबल इक्वल टू का मतलब होता है इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स 3 इक्वल टू 5 मीन्स आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स के रूप में जो है आंसर मिलने वाले हैं। सो फॉल्स कब आएगा, जब आपका जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं होगी। तो जब आपकी कंडीशन जो आपकी जो वैल्यू है वो ट्रू होगी तो आपका आंसर ट्रू आएगा। जैसे कि डबल इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ 3 इक्वल टू 5 है, तो दिस इज द रॉन्ग वैल्यू ना, 3 5 की इक्वल नहीं है। सेम नॉट इक्वल्स टू है, 3 नॉट इक्वल्स टू 5, तो दोनों इक्वल नहीं है हमने अभी बोला, तो दैट मीन ये हो गया ट्रू। लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सेम इस केस में आप इसको जो है रीड आउट कर सकते हो। जैसे कि 3 ग्रेटर देन 5 विच इज़ फॉल्स, अगर मैं बोलूँ 3 लेस देन 5 विच इज़ ट्रू, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 और 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका ट्रू फॉल्स में आंसर जो है वो आएगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस अ एग्जाम्पल दैट स्पेसिफाइज व्हाट इज द रिलेशनल ऑपरेटर एक्चुअली डू। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या, एक न्यू फाइल लिया, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट रहता है दैट इज इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ओके, इंक्लूड आयो स्ट्रीम के बाद हम लेते हैं जी यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस एसटीडी, दैट इज द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, राइट। देन हमने लिखा एक मेन फंक्शन, हम इसको इंट मेन में लिख लेते हैं। आप अकेले मेन लिख लो तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो वेरिएबल लेते हैं लाइक int a is equals to 10, ओके, एंड int b equals to 12, दो नंबर मैंने जो यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। देन हमने लिखना है जी सी आउट, जैसे हम सी आउट किसके लिए लेते हैं, फॉर आंसर्स के लिए, तो हमने लिखा सी आउट, ओके। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज जैसे हमने लिया, तो मैं यहाँ पे सी आउट में सीधा डायरेक्ट ले लेते हैं कि a जो है वो ग्रेटर या लेस है, ठीक है। पहले हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, a इक्वल्स टू बी एंड लाइन, ओके। इसके बाद यहाँ पे हम इसको लिखते हैं रिटर्न 0, एंड आप इसकी आउटपुट जैसे आप इसको चेक करोगे देन यू कैन सी कि आंसर जो है ट्रू एंड फॉल्स केसेस में आने वाला है। तो इसको हम ऐसे रिलेशन के नाम से एक बार सेव कर लेते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, एंड डन। नाउ यू कैन सी इट विल गिव अ आंसर इन ट्रू और फॉल्स केस, क्या 10 और 12 इक्वल है, नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0। 0 डिफाइन करेगा फॉल्स वैल्यू को। सेम आप इसके रिगार्डिंग आप जो वैल्यूज हैं वो बना सकते हो। जैसे कि इसको हम थोड़ा ईजी वे में करने के लिए चेंज कर लेते हैं, जैसे एज इक्वल्स टू, एज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। सेम एक जो हमारा है दैट इज ग्रेटर देन, ओके, ए लेस देन और ए इज लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सो लेस देन इक्वल्स टू एंड ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो इसको आप सेव कर लो और अभी आप इसके आउटपुट जैसे देखोगे तो आंसर हमारा आएगा 0101 ऐसे कुछ करके आया, ठीक है। यहाँ पे हम इसको जस्टिफाई करते हैं, a इक्वल टू बी, क्या a इक्वल टू है b के, नहीं है, तो दैट आंसर इज 0। a नॉट इक्वल टू b, दैट इज़ ट्रू वैल्यू, देन 1। a इज ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b है, नहीं है, तो 0, दैट इज़ फॉल्स वैल्यू। a लेस देन b विच इज़ द ट्रू वैल्यू, देन 1 आंसर विच इज़ इम्प्लाइज द ट्रू वैल्यू, राइट। देन a लेस देन इक्वल्स टू b, अब लेस देन और इक्वल्स टू b, ठीक है, अब लेस देन तो है ना, तो इसके लिए 1 आ गया। देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी विच इज़ द रॉन्ग आंसर, देन दिस विल बी द फॉल्स कंडीशन, सो फॉल्स के लिए 0। सो दिस इज हाउ यू कैन
लर्न अबाउट द रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर जस्ट टेल यू अबाउट द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज. ओके, सो नेक्स्ट के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी लॉजिकल ऑपरेटर्स. होप श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल विच इज द सम्राट टेक्नोलॉजीज. थैंक यू सो मच.